हेलो गाइस, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका मेरे सेशन में। एज यू नो, मेरे सेशन का नाम है जॉब सड्डा IQ। ठीक है, यूट्यूब का चैनल है ये, और इसको आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और उसके साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करना है ताकि जो भी वीडियो अपडेट होती है वो तुरंत आपको पता चल सके। ठीक है, इसके अलावा आपको इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है। ओके, तो एज यू नो मेरा टॉपिक है आपका करंट अफेयर। ठीक है, डेली आपका करंट अफेयर होता ही है। ठीक है, तो टुडे इज़ 25 मई। तो आज 25 मई की जो भी द मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वो हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने कल जो है एक मैथ का सेशन लिया था CI के ऊपर, तो उसको देखना मत भूलिएगा। बिना फॉर्मूले के CI को कैसे कैलकुलेट करें, वो चीज़ें मैं आपको करवा रही हूँ। ठीक है, एक भी मैंने फॉर्मूला उसमें यूज़ नहीं किया। बिना फॉर्मूले आप उसको जो है काफ़ी आसानी से और काफ़ी कम टाइम में निकाल सकते हैं। ओके, तो इसके साथ ही हम शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट करंट अफेयर। तो फर्स्ट न्यूज़ देखिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF हैज़ प्रपोज्ड ए $50 मिलियन। इन्होंने प्रपोज किया है $50 मिलियन ग्लोबल वैक्सीनेशन प्लान, जो वैश्विक टीकाकरण योजना है, दैट वुड कवर, जो कि कवर करेगा एटलीस्ट 40% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन, पूरे ग्लोबल की पॉपुलेशन का 40% बाय द एंड ऑफ 2021, 2021 के अंत तक, एंड एटलीस्ट 60% और कम से कम 60% बाय द हाफ ऑफ 2022, और हाफ तक जो है 2022 तक इसको कवर करेगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि IMF ने एक प्रपोजल रखा है। ठीक है, IMF ने प्रपोजल रखा है $50 मिलियन का, 50 बिलियन का। ठीक है, जिसमें क्या करेगा वो, तो ये जो $50 मिलियन है ये वो जो पूरी ग्लोबल पॉपुलेशन का 40% है वो तो 2021 के एंड तक इसको कर देगा, और 60% जो है वो हाफ ऑफ द 2022 के हाफ तक इसको पूरा कर देगा। ओके, तो ये आपकी फर्स्ट न्यूज़। अगली देखिए, द नेचुरलिस्ट जो प्रकृतिवादी है जेन गुडाल, क्या नाम है इनका, जेन गुडाल, हैज़ अनाउंस, इन्होंने अनाउंस किया है एज की 2021 विनर ऑफ टेम्पटेशन प्राइज, 2021 का जो टेम्पटेशन प्राइज है इन रिकॉग्नाइज्ड ऑफ हर लाइफ। देखो पहले आपको बता देती हूँ, 2021 का टेम्पलेटन प्राइज जो है वो किसको मिला है, ये मिला है जेन गुडाल को। ठीक है, जेन गुडाल को किस लिए, उनकी हर लाइफ वर्क ऑन एनिमेशन इंटेलिजेंस एंड ह्यूमैनिटी, तो मानवीय जानवरों की बुद्धि और मानवता पर उनके जीवन के काम के लिए। ठीक है, तो उनका जो पूरा टाइम जो काम था एनिमल इंटेलिजेंस एंड ह्यूमैनिटी, तो जानवरों की बुद्धि और मानवता के लिए उन्होंने काम किया था, इसके लिए इन्हें जेन गुडान को जो है 2021 का टेम्पटन प्राइज़ मिला है, और इसमें कितना है, पाउंड 1.1 मिलियन जो इसमें राशि है। ओके, अगला देखिए, अब इसी प्राइज के बारे में कुछ और हैं। देखो, मदर टेरेसा पहली विजेता थी इसमें, फर्स्ट प्राइज किसको मिला था, मदर टेरेसा को, दलाई लामा भी इससे नवाजे गए हैं 2012 को। ठीक है, और टेम्पटेस पुरस्कार प्रतिवर्ष टेम्पलेटन फाउंडेशन द्वारा ये दिया जाता है। ठीक है, इसकी शुरुआत 1973 में हुई थी, और ये ऐसे जीवित व्यक्ति को, यानी मरणोपरांत ये नहीं दिया जाता, जीवित व्यक्ति को दिया जाता है जिसने अध्यात्म के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। ठीक है, इसमें सर्वपल्ली राधाकृष्ण को 1975 में, बाबा आमटे को 1990 में, पानुरंग शास्त्री आठवले 1997 में इनको दिया जा चुका है। ठीक है, अगला देखो, साउथ कोरियन ऑटोमेकर साउथ कोरियन जो वाहन निर्माता है कंपनी, क्या नाम है, किया, क्या नाम इनका, किया, हैज़ ऑफिशियली चेंज इट्स नेम, इन्होंने अपना नाम आधिकारिक रूप से चेंज कर दिया है, किया इंडिया फ्रॉम द किया
मोटर्स, यानी किया मोटर्स से अब इनका नाम क्या होगा इसका, किया इंडिया। ओके, ये एक ऑटो मेकर, किया ये एक ऑटो मेकर कंपनी है, ठीक है। तो दक्षिणी कोरियाई वाहन निर्माता किया ने आधिकारिक तौर पर देश में अपना नाम किया मोटर्स से किया इंडिया में बदल दिया है। तो ये वैसे पूछा जा सकता है, किया मोटर्स ने अपना नाम क्या रखा है, किया इंडिया। अगला देखिए, इंडियाज फर्स्ट द्रोणाचार्य अवार्डी कोच। तो भारत में पहला जो द्रोणाचार्य कोच अवार्ड मिला है बॉक्सिंग के अंदर, ठीक है। तो बॉक्सिंग में भारत के पहले द्रोणाचार्य अवार्डी कोच, क्या नाम है इनका, ओपी भारद्वाज, हैज पास्ट अवे, इनका निधन हो गया। तो ओपी भारद्वाज, ठीक है, कौन है ये, ओपी भारद्वाज, इनका निधन हो गया। ये क्या थे, ये इंडिया के पहले बॉक्सिंग के अंदर द्रोणाचार्य अवार्डी कोच थे, ठीक है। तो अगला देखिए, बाकी जो अभी चेंज हुए हैं राशि वो देख लीजिए, जैसे राजीव रतन खेल रत्न अवार्ड है ये अभी मिलने वाला है, इसमें 25 लाख रुपये है अभी राशि। द्रोणाचार्य में दो कैटेगरी होती है, एक तो लाइफ टाइम, एक रेगुलर। लाइफ टाइम में 15 लाख है और रेगुलर में 10 लाख है। अर्जुन अवार्ड में ये 15 लाख है और ध्यानचंद अवार्ड में 10 लाख है, ठीक है। तो ये तो हो गया। अगला देखिए, यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड स्टेट नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा। नासा की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और ये कहाँ की है, ये यूएसए की है। इज प्लानिंग, ये प्लानिंग बना रही है टू सर्च वाटर, पानी की खोज की, एंड अदर रिसोर्सेज, और बाकी जो रिसोर्सेज है, ऑन द मून इन 2023, 2023 में आसमान के ऊपर पानी और अतिरिक्त जो सोर्सेज है उनकी खोज के लिए ये प्लानिंग बना रही है, ठीक है। अगला देखिए, द यूएस एजेंसी, तो यूएस एजेंसी एज पार्ट ऑफ इट्स आर्टेमिस प्रोग्राम, तो यूएस एजेंसी ने इसका एक प्रोग्राम है आर्टेमिस प्रोग्राम, इसमें प्लानिंग कर रही है टू सेंड इट्स फर्स्ट मोबाइल रोबोट ऑन द मून लेट 2023। देखो ये जो यूएस एजेंसी है इसका एक प्रोग्राम है आर्टेमिस प्रोग्राम, ठीक है। इसके अंतर्गत ये क्या प्लान कर रही है कि पहला मोबाइल रोबोट 2023 के अंत तक ये चंद्रमा पे पहुंचाएगी, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या होगा, इन सर्च ऑफ आइस वाटर एंड अदर रिसोर्सेज ऑन एंड बिलो ऑफ द लूनर सरफेस। तो चंद्रमा पर जो सतह के ऊपर, ये जो है सतह के ऊपर और नीचे दोनों जगह ये जैसे आइस और वाटर और बाकी रिसोर्सेज की सर्च के लिए ये अपना पहला जेफ मोबाइल रोबोट पहुंचाएगी 2023 के अंत तक। और ये किसके अंतर्गत है, ये आर्टेमिस प्रोग्राम के अंतर्गत है, ओके, ये इतना ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब इसमें क्या है, वोलेटाइल इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर, यानी वाइपर, ये विल कलेक्ट डाटा, ये डाटा कलेक्ट करेगा दैट वुड हेल्प नासा मैप, जो कि नासा के मानचित्र को हेल्प करेगा रिसोर्सेज एट द लूनर साउथ पोल, जो चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव है उसके अंदर संस्थानों का पता लगाने की, रिसोर्सेज का पता लगाने की इसमें हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये इतनी चीज़ आपको याद रखनी है, ये इम्पोर्टेंट है। अगला देखिए, तो ये थोड़ा हिंदी में है, देख लीजिए, बड़े मून मिशन के लिए नासा का रोवर वीपर तैयार, चंद्रमा पर बर्फ पानी की खोज के साथ जुटाएगा वातावरण की जानकारी। इसमें क्या है, नासा ने घोषणा किया कि उसका पहला मोबाइल रोटर वाइपर रोवर 2023 में चंद्रमा पर जाएगा, रोवर वहां पर बर्फ पानी और अन्य संस्थानों के बारे में पता लगाएगा, साथ ही चंद्रमा के सतह के नीचे की जांच करेगा। आर्टेमिस प्रोग्राम के हिस्से के रूप में वाइपर से एकत्रित किए गए डाटा की जाँच करके वैज्ञानिक ये पता लगाएंगे कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कौन से संसाधन है। आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत नासा 2024 में पहली महिला और एक पुरुष को चंद्रमा पर भेजेगा, लेकिन इससे पहले वो 2023 में वाइपर लॉन्च करेगा, ठीक है। तो ये सारी उनकी प्लानिंग है नासा की, ये आपको याद रखना है। अगला है, वर्ल्ड थायराइड डे इज ऑब्जर्व ऑन 25 मई, तो विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है, 25 मई को मनाया जाता है। इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रन डे, अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस, ये कब मनाया जाता है, ये भी 25 मई को मनाया जाता है, ओके। अगला देखिए, द बैंक ब्यूरो
बैंक बोर्ड ब्यूरो BBB द बैंक्स बोर्ड ब्यूरो हैज़ रिकमेंडेड इसने सिफारिश की है द कैंडिडेचर्स ऑफ शक्ति शांतिलाल जैन फॉर द पोजिशन ऑफ MD एंड इंडियन बैंक। तो इंडियन बैंक के MD और CEO बनाने के लिए बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो ने किन का नाम सजेशन किया है, शांति लाल जैन का। ठीक है, तो हो सकता है इंडियन बैंक के अगले MD और CEO कौन हो, शांति लाल जैन। ठीक है, अगला देखिए, ICRA पैग Q4 GDP ग्रोथ। तो ICRA ने जो है GDP ग्रोथ क्वार्टर फोर्थ के लिए GDP ग्रोथ कैलकुलेट किया कितनी, 2%, और पूरे फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए, पूरे फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए इसने बोला है कि ये 7.30% रहेगी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बाकी एक दो एजेंसी की और GDP देख लीजिए, जैसे कि रेटिंग एजेंसी ने फाइनेंशियल ईयर के लिए 9.20, नोमोरो ने 10.80, मूडी ने 9.30, और यूनाइटेड स्टेट ने जो करंट ईयर है 2021 इसके लिए 7.5% जो है बोला है। अगला देखिए, FDI फॉलो क्रॉस्ड $81 बिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 2021। तो FDI जो है हमारा कितना हो जाएगा फाइनेंशियल ईयर 2021 में, 21 बिलियन हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में जो न्यूज़ है वो यहाँ पे पढ़ते हैं। इंडिया हैज़ अट्रैक्ट हाईएस्ट एवर टोटल FDI इनफ्लो इन $81.72 बिलियन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड इट हैज़ 10% हायर, ये 10% ज़्यादा है कंपेयर टू लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2019 से 20। यानी 2019-20 में इसका जो FDI था वो 74.3 बिलियन $74 था, और अब जो है ये 10% ज़्यादा यानी 81.72 बन जाएगा। ओके, हो चुका है। अगला देखिए, अब जो FDI में टॉप कौन है ये देखिए कि टॉप इन्वेस्टर कौन है। तो FDI इक्विटी इनफ्लो ग्रू बाय 19% फाइनेंशियल ईयर 2021 और कंपेयर टू द प्रीवियस, ये तो इनफ्लो है, वो आउटफ्लो था, इनफ्लो जो है 19% बड़ा है। ठीक है, और इन टर्म ऑफ टॉप इन्वेस्टर कंट्री, तो अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर कौन कौन है कंट्रीज़, तो पहले पे आता है सिंगापुर, ठीक है, जो कि 29% है, उसके बाद USA 23%, मॉरिशियस 9%। ठीक है, तो इन्होंने इतना इतना जो FDI आया है इंडिया के अंदर, तो सबसे जो टॉप पर है वो सिंगापुर है, उसके बाद US और उसके बाद मॉरिशियस। ठीक है, ये पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, काफ़ी बार पूछा गया है ऐसे कि सबसे टॉप पे कौन है। तो गुजरात इज़ द टॉप रिसिप्ट स्टेट ड्यूरिंग द 2020-21 विद 37% शेयर ऑफ टोटल FDI इनफ्लो फ्लो बाई महाराष्ट्र और कर्नाटका। तो स्टेट वाइज अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो इक्विटी FDI इक्विटी का जो इनफ्लो आया है आउटफ्लो, तो वो कितना है इनफ्लो आया है, वो आया है सबसे ज़्यादा किसके अंदर, गुजरात के अंदर। ठीक है, उसके बाद महाराष्ट्र और उसके बाद कर्नाटका। ठीक है, आउट ऑफ टॉप कंट्रीज़ के अंदर हम बात करें तो सऊदी अरबिया इज़ द टॉप इन्वेस्टर इन टर्म ऑफ परसेंटेज इंक्रीज बाय फाइनेंशियल ईयर 2020 एंड 2021। तो इसने क्या बोला है, अगर हम इन्वेस्टर की बात करें कि सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट कौन सी कंट्री ने किया है, तो सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किया है 2020-21 के लिए सऊदी अरबिया ने, और उसने क्या किया है, इट इन्वेस्ट $2,816.808 मिलियन इन कंपैरिजन टू $89.93 बिलियन रिपोर्ट ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। तो पिछले साल सऊदी अरबिया ने सिर्फ 89.93 इन्वेस्ट किया था, और इस बार 2,816.08 मिलियन जो है इन्वेस्ट किया है। ओके, अगला देखिए, डेलोइटी ऑन मंडे सेड दैट इट हैज़ पार्टनर विद हरियाणा गवर्नमेंट टू लॉन्च सुपरवाइज वर्चुअल होम केयर इनिशियटिव टू हेल्प पीपल क्विक एक्सेस हेल्थ केयर फॉर मिडल टू मॉडरेट सिम्टम ऑफ COVID-19 अंडर द संजीवनी परियोजना। तो संजीवनी परियोजना किसने लॉन्च किया, ये हरियाणा ने लॉन्च किया। ठीक है, अगला देखिए, ये ICAI, इसके बारे में पहले हम पढ़ते हैं न्यूज़, फिर मैं आपको बताऊँगी।
तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, ESA, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इसने कंफर्म किया है यूजिंग सैटेलाइट इमेज कि ये सैटेलाइट की छवियों का यूज़ करेगा, दैट द वर्ल्ड लार्जेस्ट आइसबर्ग, तो दुनिया की सबसे बड़ा आइसबर्ग हैज़ ब्रोकन ऑफ अंटार्कटिका। यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी ने उपग्रह छवियों का उपयोग करते हुए पुष्टि की है कि दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड अंटार्कटिका से टूट गया है, यानी आइसबर्ग, वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइसबर्ग जो है अंटार्कटिका से टूट गया है, जिसका नेम क्या रखा है इन्होंने, A76, ठीक है। और ये आइसबर्ग वाज 4320 स्क्वायर किलोमीटर साइज़ के अंदर है, इसका साइज़ कितना है, 4300 स्क्वायर किलोमीटर इसका साइज़ है, विच इज़ हाफ साइज़ ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जो कि अंडमान और निकोबार का आकार का आधा है, ठीक है। तो ये एक क्या न्यूज़ है कि अंटार्कटिका से एक बर्फ़ का टुकड़ा या हिमखंड टूटा है, जिसका नाम क्या है, A76। क्या नाम है इसका, A76। ये आइसबर्ग टूटा है, ठीक है, जो कि अंडमान निकोबार के साइज़ का आधा साइज है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इसका नाम A76। अगला देखिए, ट्राइफाइड विल नाउ बी पार्टनरिंग विद नीति आयोग। ट्राइफाइड जो है अब नीति आयोग के साथ भागीदारी करेगा टू इम्प्लीमेंट, लागू करने के लिए द वन धन योजना। कौन सी योजना, वन धन योजना इन द डिस्ट्रिक्ट दैट हैव आइडेंटिफाइड एज इंस्पायरेशन डिस्ट्रिक्ट बाय नीति आयोग। तो ट्राइफाइड उन जिलों में वन धन योजना को लागू करने के लिए नीति आयोग के साथ साझेदारी करेगा, जिसकी पहचान नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिलों के रूप में की गई है। तो ट्राइफाइड जो है पार्टनरशिप करेगा नीति आयोग के साथ वन धन योजना को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है। तो इसके अंदर और क्या देखिए, इट हैज़ बिन डिसाइडेड, इसने डिसाइड किया है, इट हैज़ बिन डिसाइडेड दैट ए डेडिकेट टीम ऑफ ट्राइफाइड अलोंग विद नीति आयोग टीम विल वर्क आउट फॉलो अप प्लान टू इम्प्लीमेंट वन धन योजना टू ईच 39 ट्राइबल इंस्पायरेशन डिस्ट्रिक्ट। तो 39 जो है जनजातीय आकांक्षी जिलों के अंदर ये काम करेंगे, ठीक है। अंडर दिस स्कीम, इसके स्कीम के अंतर्गत क्या होगा, द वन धन विकास केंद्र, जो वन धन विकास केंद्र है वो बनाए जाएंगे, उनको प्रोवाइड की जाएगी स्किल अपग्रेडेशन, यानी कौशल, ये क्या है, कौशल उन्नयन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग टू सेटिंग ए प्राइमरी प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन फैसिलिटी। तो इस योजना के तहत क्या होगा, गठित वन धन विकास केंद्र कौशल उन्नयन और क्षमता निर्माण प्रशिक्षण और क्या है, प्राथमिक प्रशिक्षण और मूल्य सुविधाओं को स्थापना करेगा। तो मणिपुर एमर्ज एज द मॉडल स्टेट ऑफ वन धन विकास योजना। तो दोबारा से देख लीजिए, एक योजना है जिसका नाम क्या है, वन धन योजना, इसमें मॉडल किसको बनाए, मणिपुर को, ठीक है। इसमें ट्राइफाइड और नीति आयोग मिलके काम करेंगे 39 जनजातीय जिलों के अंदर, ठीक है। और इस स्कीम के अंदर क्या क्या होगा, इनको जो है स्किल किया जाएगा, यानी निपुण किया जाएगा, इनको ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है। तो आपको ये चीज़ बस इतनी याद रखनी है, ओके। तो ये हैं आज की करंट अफेयर, ठीक है। दोबारा से हम इसको रिवाइज़ कर लेते हैं एक बार। फर्स्ट क्या है, IMF जो है 50 मिलियन डॉलर USD देगा ग्लोबल वैक्सीनेशन प्लान के लिए, ठीक है। और 2021 का टेम्पटेशन प्राइज किसको मिला है, जेन गुडाल को, ठीक है। और साउथ कोरिया की एटोमेकर कंपनी है किया, इसका नाम किया मोटर से बदलकर किया इंडिया कर दिया गया, ठीक है। इंडिया के जो पहले बॉक्सिंग के अंदर द्रोणाचार्य अवार्डी थे OP भारद्वाज, इनका निधन हो गया, ठीक है। और जो नासा है वो प्लान बना रहा है इंडिया मून के अंदर 2023 को वाटर और अदर रिसोर्सेज सर्च करने के लिए, ठीक है। और वर्ल्ड थायराइड डे 25 मई, इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रन डे 25 मई, बैंक ऑफ बड़ौदा ने सिफारिश किया शांतिलाल जैन को MD और CEO इंडियन बैंक का बनाने के लिए। इकरा ने क्वार्टर फोर्थ के लिए GDP 2% की है और पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए 7.30, ठीक है। और FDI में टॉप पर कौन रहा है हमारा, ये टॉप पे पूछा जा सकता है, सिंगापुर, उसके बाद USA, उसके बाद मॉरिशियस, ठीक है। तो ये तीनों आपको नाम याद रखने हैं। हरियाणा की एक स्कीम है संजीवनी परियोजना, ठीक है, COVID-19 के पेशेंट के लिए ये, ठीक है। आइसबर्ग टूटा एक अंटार्कटिका से, इसका नाम क्या है, A76।
और नीति आयोग और ट्राइफेड जो है वन धन योजना के तहत जो है इकट्ठे जो है काम करेगी। तो ये है आज की करंट अफेयर, ठीक है, द मोस्ट करंट अफेयर मैंने आज की करवाई है आपको 25 मई की। होप सो आपको सेशन पसंद आया होगा, ठीक है। कल या परसों में आपका मैथ का जो CI चल रहा है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई सेशन, और आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि आप जितना ज़्यादा उसके मेरे सेशन को शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइबर जो है बढ़ाइए इसके, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।